माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में आपने एक्सपांडेड ऑक्टेट के बारे में पढ़ लिया था, तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों कि एक और इसका एक्सेप्शन है, लूज डॉट स्ट्रक्चर की बच्चों आपके एक और एक्सेप्शन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेकेंड एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन तो मैंने आपको बताया, सेकेंड एक्सेप्शन आपका है बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब आपका क्या होगा बच्चों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब आपका क्या होगा? सिंपल समझना बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलो या फिर आप लोग इसको बोलो कि हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो इससे आपका समझोगे जो आपके एटम होते हैं, एटम लाइक, एटम्स लाइक लाइक बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका थर्ड पीरियड का है, ईटीसी, ठीक है, एटसेट्रा। यहां पर एल्यूमिनियम आपका थर्ड पीरियड का है, विच इज बिलोंग, विच कैन बिलोंग, विच कैन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, या फिर आपका यहां पर एल्यूमिनियम ही आपका थर्ड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड। इट कैन नॉट, इट कैन नॉट कंप्लीट, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। तो कौन सा कंडीशन है, क्या कंडीशन है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिया एग्जांपल BeCl2 का, अब ध्यान से समझना, BeCl2 मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, BeCl2 का मैंने एग्जांपल लिया, तो यहां पर मैंने देखो ये मैंने लूज डॉट स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूं। देखो ध्यान से समझ लेना बच्चों, बाकी तो आप खुद भी कर सकते हो, ये सारे आप स्ट्रक्चर खुद से निकाल सकते हो, लेकिन अब मैं देखना चाहूंगा कि यहां पर एक्चुअली में क्या है। यहां पर आपका इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, देख सकते हो आप लोग, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं इसका देखना चाहूं तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? देखो 1 2 3 4, मतलब इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर क्या है, ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट आपका क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट है। जब यहां पर ऑक्टेट अगर आपका इनकम्प्लीट होगा तो क्या होगा? जब आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो क्या होगा? तो इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, लेकिन अगर मैं इन सब पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं, अगर मैं इन सब पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो क्या होगा? देखो अगर मैं इन सब पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा बच्चों? 7 - 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यहां पर भी निकालना चाहूं तो फॉर्मल चार्ज 7 - 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। यहां पर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? 2 - 2। वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर असाइन होते हैं तो कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब यहां पर क्या है बच्चों? फॉर्मल चार्ज, इट फॉलोज फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट, ये आपके फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, ये आपका फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। जब ये आपका फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो इसीलिए ये आपका स्टेबल है। तो जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा उसमें फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखेंगे, फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट इज मोर प्रेफरेबल, मोर प्रेफरेबल इज मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू लुईस ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल से ज्यादा आपको कौन से कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रेफर देना है बच्चों? यहां पर आपको फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे समझना ध्यान से, मैं लेता हूं यहां पर BF3, एक और एग्जांपल BF3। अब देखो BF3 का दो स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं कोई से भी, ठीक है, एक तो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर को, लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, मैंने बना देता हूं, एक मैं बना देता हूं जो आपके लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ताकि आपको समझ में आएगा। अब आपसे पूछा है कि यह आपका स्ट्रक्चर 1 या आपका स्ट्रक्चर 2, विच वन इज द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये आपको बताना है। अब देखो आप कैसे निकालोगे, देखो यहां पर अगर मैं बनाना चाहूं तो लोन पेयर में यहां पर कितने आ जाएंगे? यहां पर 3 लोन पेयर आ जाएंगे, आप लोग इसको तो बना ही सकते हो, यहां पर 2 लोन पेयर, ठीक है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि अगर मैं यहां पर फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? 7 - 7 = 0। यहां पर भी फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 7 - 7
इक्वल टू जीरो, जहां पर भी फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो कितना आएगा बच्चों, एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन असाइन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ बिहेव लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप लोग निकाल सकते हो यहां पर फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 7 - 6 इक्वल टू प्लस 1। अब यहां पर सबसे पहले इसका ऑक्टेट चेक करो, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट क्या है इस मॉलिक्यूल का, आपका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है बच्चों, कंप्लीट है। ये जो मैंने बनाया दूसरा स्ट्रक्चर, इसका ऑक्टेट क्या है बच्चों, कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं इस पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो फॉर्मल चार्ज किसे निकलेगा, वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन असाइन है। अब मैं फॉर्मल चार्ज निकालते वक्त कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करेंगे, तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन असाइन है, टोटल टोटल कितना हो जाएगा -1। तो यहां पर ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन फॉर्मल चार्ज भी आ गया, क्या आया, -1 और +1। चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर में देखूंगा, इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो बच्चों आप लोग कि यहां पर इस स्ट्रक्चर में बोरोन के, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। आप निकाल के देखो खुद से, जब तक आप लोग खुद से नहीं निकाल, 1 2 3 4 5 6 6 मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब मैं इस पर अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, 0। इस पर फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। इस पर मैं अगर फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूंगा, 0। और इस पर भी कितना आएगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन असाइन ऑन दैट एटम इक्वल टू व्हाट, 3। तो यहां पर भी फॉर्मल चार्ज 0, तो यहां पर फॉर्मल चार्ज आपका 0 है, यहां पर फॉर्मल चार्ज आपका कहां से कहां लेकर है, +1 - 1। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज आपका जितना नियर टू 0 होगा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू ऑक्टेट रूल। तो इसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि सेकेंड जो स्ट्रक्चर होगा इट इज नॉट बेटर लूज स्ट्रक्चर। तो यहां पर स्ट्रक्चर 1 इज अ बेटर लूज स्ट्रक्चर फॉर BF3। अगर मैं BF3 मॉलिक्यूल के लिए बात करूंगा तो बोल सकते हो आप लोग यहां पर फॉर BF3 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फर्स्ट इज बेटर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट आपका बेटर लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर सेकेंड। तो थोड़ा सा इस कंडीशन का ध्यान रखो, खासतौर से ये आपको बेरिलियम में मिल जाएगा, एल्यूमिनियम में मिल जाएगा और बोरोन में ही मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख सकते हो AlCl3, आप इसको चेक करके देखना खुद से। एक मैंने बना दिया BX3 में X क्या हो जाएगा बच्चों, X आपका हो जाएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा BeCl2 BeX2 कर दो BeX2, और एक्स आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, इस तरीके से आपके जो स्ट्रक्चर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के। आप लोग खुद से बना सकते हो इसका, आप लोग खुद से बनाना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी इजी रहेगा, काफी फंडामेंटल बेसिक नॉलेज आपको यहां से सीखने को मिलेगा। तो यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट में क्या करना है, आप लोग देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पर मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए थे BF3 के, तो सेकंड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था। तो हमने क्या किया था, जब आपका एक्सपांडेड ऑक्टेट था, मतलब ऑक्टेट जब आपका बढ़ रहा था तब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम हटा देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह होती है कि यह आपका क्या है, इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट इट कैन बिहेव एज लुईस एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कैसे होगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने BF3 लिया और यहां पर NH3 लिया, यहां पर क्या बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अब ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से क्या होगा, जनरली आपको जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी एटम है, वो अपने वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन को करना चाहेगा। यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन को कर ही नहीं पाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए
अब देखो यहां पर BF3 मॉलिक्यूल में ऑक्टेट के टाइम में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब इसके अंदर क्या बचा होगा? ऑर्बिटल आपका वैकेंट होगा। अब इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑर्बिटल में देखो, अगर मैं ऑर्बिटल में बात करूंगा तो sp जोड़ के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा किसके लिए? फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टेंस करने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो NH3 से, अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है बच्चों? लुईस एसिड, या आप आगे जाके पढ़ोगे थोड़ा सा अभी समझ लो, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह। और ये आपको किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस बेस की तरह। विच कैन डोनेट द लोन पेयर, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड लुईस बेस, एंड विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लुईस एसिड। नाउ यहां से लोन पेयर का ट्रांसफर हुआ तो यहां पर आप किस तरीके से बॉन्ड बनेगा बच्चों? मैंने आपको बताया था ना, जहां पर पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होता है वहां आपका कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जनरली जनरली आपका जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह। तो यहाँ पर AlCl3, BX3, BX2, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? लुईस एसिड। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिए, अभी थोड़ा सा आपको लुईस एसिड और लुईस बेस में कंफ्यूजन होगा, बस इतना समझिए कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो लुईस बेस। ये केवल और केवल इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, इतना आप लोग ध्यान रखिए बस। इसमें ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर साल आपसे लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में पूछता है। इसको हम आगे भी काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं, इसको हम आगे धीरे धीरे काफी डेप्थ तक जाएगा बच्चों ये, ठीक है। ये मैं ऑर्गेनिक में भी लूंगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक में आगे में SPDF ब्लॉक में भी वापिस लूंगा, तो आप लोगों को अभी से कंसेप्ट याद होना चाहिए। अब दूसरा जो तीसरा जो एक्सेप्शन है वो क्या है बच्चों? ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोग जानते हो कि जनरली ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सो स्टेबल, ठीक है। जनरली यहां पर मैं लिख देता हूं, जनरली ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन configuration is not stable, is not stable। generally आपका old electronic configuration आपका क्या नहीं होता बच्चों? stable नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? इसका reason आप आगे जाके अपने आप समझ जाओगे जैसे मैं इसको समझाऊंगा। देखो क्या होगा कि ये आपका exist नहीं करता, not stable मतलब is not exist, not exist, ये आपका exist भी नहीं करता, ठीक है, बात clear है, simple खत्म। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया NO2, NO2 का अगर मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो कितना आ जाएगा? आप देख सकते हो 5 + 6 × 2 = 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तो 8 + 8 × 2 = यहाँ पर आ जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा? TRn - TVe, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 24 - 17 = 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे यहां पर तो ओड में नहीं चाहिए, मुझको भी किसमें चाहिए? इवन नंबर में चाहिए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 6 इलेक्ट्रॉन + 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड बना होगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ओड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। नाउ आप टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 - 17 - 7 = 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितने लोन पेयर है? लोन पेयर यहाँ पर आपके 5 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये तो मैंने आपका निकाल दिया, स्ट्रक्चर का पूरा डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पर मैं अगर स्केलेटन ड्रॉ करूंगा तो नाइट्रोजन आपका लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो कि आपका किस कहाँ पर आएगा? बीच में आएगा, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से यहाँ पर ये NO, यहाँ पर ये आपका मैंने बना दिया O, ठीक है। ये मैंने कितने बॉन्ड होते बच्चों? 3 बॉन्ड बनाने थे, ठीक है।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोन पेयर को टर्मिनल एटम पे अरेंज करना सीखेंगे। लोन पेयर को हम कहाँ अरेंज करेंगे बच्चों, टर्मिनल एटम पे। तो देखो करो, यहां पर दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए, तो इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छ, छह, सॉरी हाँ छह, छह तो वैलेंस शेल में होते हैं, दो पार्टिसिपेट कर गए, बचे कितने, चार, चार मैंने बना दिए। अब यहां पर आपके एक पार्टिसिपेट कर चुका है, वैलेंस शेल में होते छह, एक पार्टिसिपेट कर चुका है, बचा कितना, पांच, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ रहा है, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा सेंट्रल एटम पे आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा स्कीम लगाया कि यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन का कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिसिपेट नहीं किया, तो यहां पर आपके कितने हो गए, सिक्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं देखूंगा तो नाइट्रोजन के यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट किए, तो नाइट्रोजन के पास बचा कितना, वैलेंस शेल में पांच, दो इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां पर बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। और इसी एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको अलग कलर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन। और ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इन नेचर। नेचर में कैसा होता है बच्चों, ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। ठीक है, बात क्लियर है, और ध्यान से समझना, एनओ टू का कलर आपका क्या होता है, ब्राउन कलर। कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर। अब हम बात करते हैं यहां पर कि इसके एग्जिस्टेंस के बारे में, इसके हम एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो एग्जिस्टेंस कैसा होगा कि ये क्या करेगा, एनओ टू मॉलिक्यूल अपने ही तरह मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर, लोन पेयर नहीं बना रहा बच्चों में, आपको समझना, अपने ही तरह मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेगा। जब ये अपने ही तरह मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये आपका इस तरीके से, अब आप लोग पूछोगे कि ये आपका N2O4 बन गया, तो इसका मतलब NO2 का डबल करेंगे तो आपको क्या बनेगा, N2O4। तो ये आपका एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2O4, इट इज अ डाइमर ऑफ NO2। NO2 को 12 टाइम्स किया तो डाइमर बन गया, ये आपका डाइमर है। अब यहां पर रिएक्शन को मैं इक्विलिब्रियम में रखता हूं। अब इक्विलिब्रियम में रखने का रीजन क्या है कि अब मुझे एग्जिस्टेंस को चेक करना है, एग्जिस्टेंस के बारे में बात करनी है। तो ध्यान से समझेंगे कि आप लोग समझ सकते हो बच्चों यहां पर कि एग्जिस्टेंस में किस तरीके से बताऊंगा। देखो मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको आगे जाके वो इक्वेशन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में डिराइव करनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं अभी भी लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो लॉग के इक्विलिब्रियम, आप याद रखो इक्वेशन मैं कैसे लिख रहा हूं, बस थोड़ा सा तकलीफ है, बाकी तो कुछ नहीं है, 2.303 RT। ठीक है, ये मैंने कुछ इक्वेशन लिख दिया जो कि आपको काफी ईजी। नाउ अब मैं बोलना चाहूंगा यहां पर यह आपका गैस है, यह आपका गैस है, यह आपका गैस है। अब सबसे पहले समझो कि डेल्टा एनजी क्या होता है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, मतलब यह होता है इसका फॉर्मूला। तो गैसियस प्रोडक्ट कितना है, एक, और ये कितने, दो, तो डेल्टा एनजी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर डेल्टा एनजी अगर आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक, इस बात को जान लो, और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर डेल्टा एनजी अगर आपका पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चों, हमेशा एंडोथर्मिक हो जाएगी, और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये बात तो आपको मैंने बता दिया, यहां पर डेल्टा एनजी नेगेटिव है, तो डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब आपका क्या होगा, डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो आपका डेल्टा एच नोट पॉजिटिव, तो सॉरी डेल्टा एच नोट आपका नेगेटिव वैल्यू यहां रखेंगे तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, अब हमारा नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो अब हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो डेल्टा एच नोट 2.303 RT। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैंने टेम्परेचर को राइज कर दिया तो टेम्परेचर को राइज करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने इस वैल्यू को बढ़ा दिया, इसका मतलब समझो, देखो पहले ये 2 + 2/3 था,
अब मैंने थ्री को बढ़ा दिया, थ्री को बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, फोर कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 2.5, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 2.66। जैसे ही मैं नीचे वाली वैल्यू बढ़ाता हूँ तो वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरीके से ना इसको एक कॉन्स्टेंट मान लो, नीचे वाली वैल्यू बढ़ाइए तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी थोड़ी सी, ये वाली वैल्यू जो जो आपके आप जो वैल्यू आएगी बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी भाई बेटा, थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो नीचे वाली वैल्यू बढ़ाई है, पहले नॉर्मल कंडीशन में इसकी वैल्यू 2.66 थी, जैसे ही मैंने नीचे वाली वैल्यू बढ़ाई तो टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो जैसे ही मैं लॉग टी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो के इक्विलिब्रियम आपका कम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर राइज करने पर लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपकी कम हो गई, मतलब रिएक्शन आपके कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड आएगा तो इसका मतलब NO2 आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, अगर रिएक्शन अगर आपको बैकवर्ड आएगा तो NO2 का एग्जिस्टेंस मिल जाएगा। तो बैकवर्ड आने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए बच्चों, हाई, बैकवर्ड आने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर कि टेम्परेचर को कम करूंगा तो लॉग के इक्विलिब्रियम आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, और रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूं कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर क्या हो बच्चों, लो हो। तो इसमें आपका इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि इन द सर्टेन रिएक्शन एनो सर्टेन रिएक्शन सॉल्यूशन कलर इज ब्राउन, सॉल्यूशन का कलर क्या है बच्चों, ब्राउन है, सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्राउन है। अब NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, सॉल्यूशन का कलर क्या है बच्चों, ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन है। तो इट कैन बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मिड टेम्परेचर या फिर नन ऑफ दिस। तो हम क्या बोलेंगे कि NO2 का एग्जिस्ट कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा, नहीं तो ये आपको कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जनरली रूम टेम्परेचर पे ये आपका N2O4 में एग्जिस्ट करेगा, रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये आपका रूम टेम्परेचर पे N2O4 में एग्जिस्ट करेगा। वरना अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये आपके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, NO2 फॉर्म में। और ये एग्जिस्ट इसीलिए करता है, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हम इसको समझ सकते हैं इजिली। काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एक और आपका इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, एक और एग्जांपल NO, एक और एग्जांपल है NO, NO का भी आपका सिमिलर एग्जांपल है, तो आप लोग अब समझ सकते हो कि NO का एग्जांपल में क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल NO की, NO के एग्जांपल की बात करूं, तो देखो यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 5 + 6 = 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ 16 इलेक्ट्रॉन। मैं टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, TRn - TV। अब TRn 16 - 11 इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन + 1 इलेक्ट्रॉन में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पर दो बॉन्ड बनेंगे। अब मैं टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 11 है और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास 5 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर इक्वल टू 3 लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम यहां पर NO का मैंने सारा समरी निकाल लिया, मुझे कितने बॉन्ड बनाने, दो बॉन्ड बनाने, तो मैं NO का ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें दो बॉन्ड होंगे, देखो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसमें लोन पेयर को मैं असाइन करता हूं एक एक करके, तो यहां पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है, लोन पेयर के वैलेंस शेल में होते कितने, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते 6 में से 2 ने पार्टिसिपेट किया है, तो बचे कितने, 4, ये हो गया। अब नाइट्रोजन के कितने होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन के 5 में से 2 ने पार्टिसिपेट किया है, तो बचे कितने, 3। तो यहां पर लोन पेयर काउंट करो, कितने लोन पेयर होने चाहिए थे, 3, तो 3 लोन पेयर तो हो गए। अब जो आपका एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचा है इसका मतलब क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ओड इलेक्ट्रॉन, यही आपका क्या हो जाएगा, ओड इलेक्ट्रॉन। और ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते रहते हैं, ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब हम इसके एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, तो एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है इसका,
इसका एग्जिस्टेंस भी आपका सिमिलरली, अगर मैं एनओ की रिएक्शन, एनओ का ऑड इलेक्ट्रॉन अगर मैं एनओ टू के साथ कराऊंगा ऑड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बना लेगा एन टू ओ थ्री, कैसे बनाएगा देखो, ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहां पर आपका, देखो ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये आपस में कंबाइन होकर ये बना देगा स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बनाएगा। बेटा ये क्लास ट्वेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर साल पूछता है बच्चों ये, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, वो सब मैंने अभी बनाना बताया आपको, ये रिएक्शन आपको याद भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से बनेगा। अब यहां पर मैंने इक्विलिब्रियम लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों मैंने इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से समझना, यहां पर N2O3 का कलर होता है पेल ब्लू, कौन सा कलर होता है पेल ब्लू, और NO2 का कलर होता है आपका ब्राउन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी, फिर आप समझ सकते हो कि यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं डेल्टा एन जी, यहां पर क्या निकालना चाहूं बच्चों, ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है। तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया कि डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, उस वही फॉर्मूला रिएक्ट मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो मोल कितने, वन है, वन और यहां पर दो है, तो टोटल कितना आ जाएगा माइनस वन, मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू मतलब एक्सोथर्मिक, पिछला वाला ही कंडीशन चलेगा, पिछला वाला ही कंडीशन चलेगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगा। तो मैंने पिछले वाले कंडीशन को एक और बार समझ लो बच्चों, आप लोग लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एस नॉट 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर टी। अब यहां पर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से रिएक्शन क्या जाएगा, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू नेगेटिव, अब यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, टोटल ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यू टू द एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होने की वजह से, क्या होने की वजह से बच्चों, एक्सोथर्मिक होने की वजह से आपका लॉ ऑफ जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा कुछ आपका इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन के बारे में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ने को काफी मिलेगा, और उसको छोड़ना मत, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स इस इक्वेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल तो पक्का आता है हर साल जेई में और नीट में, लेकिन इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन भी आता है अक्सर आता है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहां नहीं लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन लॉग के इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट, डिक्रीज, देन रिएक्शन विल बी मूव टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा मतलब पीछे आएगा, कब आएगा, जब टेम्परेचर आपका क्या होगा हाई, मतलब टेम्परेचर को राइज करूंगा तब, अगर टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज किया तो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी, सिमिलर कंडीशन पिछला वाला, एक बार ट्राई करो इसको खुद से। तो यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो मतलब ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई है, जब टेम्परेचर आपका लो है, ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई है, जब आपका टेम्परेचर क्या है बच्चों, यहां पर लो, यहां पर लो टेम्परेचर भी सेटिस्फाई है, और ये वाला यहां पर हाई टेम्परेचर पे। तो अब आपसे क्वेश्चन के साथ पूछा जाएगा कि इन दिस रिएक्शन फॉर सॉल्यूशन कलर पेल ब्लू व्हाट विल बी द कंडीशन, कंडीशन आपको देगा टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर मिड, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या बोलोगे कि पेल ब्लू कलर के लिए आपको कैसा टेम्परेचर चाहिए, पेल ब्लू कलर के लिए आपको लो टेम्परेचर चाहिए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। ये तो हमारा था, जितने भी मैंने आपको बता दिए यहां पर, और मैंने तीन आपको यहां पर एक्सेप्शन बताए, एक तो एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक मैंने बताया क्या, एक मैंने बताया इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और एक मैंने बताया ओड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नाउ आपको आज का होमवर्क क्वेश्चन में दे देता हूं, आप इस क्वेश्चनों को करना बच्चों एक बार, बाकी फिर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को करना जो मैं बता बताता हूं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आपका एज अ होमवर्क मुझे आज करके भेजना बच्चों, ड्रो द, ये पक्का कर लेना बच्चों, ड्रो द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने आपको अभी तक दो बार दिया होमवर्क, स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, अगर आपने इन सब का बना लिया तो आपको सब आ जाएगा बच्चों, एक बार सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज आपको हो जाएगा। देखो मैं आपको देता हूं, ठीक है, अगर नहीं आए तो मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अगर ज्यादा दिक्कत है, सभी को दिक्कत है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, सी एल ओ थ्री माइनस
PO4 3 minus, डी NOCl, ठीक है, ई आपका मैं यहां पर बोलता हूं FONO2। ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इसका मतलब समझना कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कैसे होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, ऐसे मतलब थर्ड पीरियड मतलब एक्सपांडेड ऑक्टेट, थर्ड पीरियड मतलब एक्सपांडेड ऑक्टेट, थर्ड पीरियड मतलब एक्सपांडेड ऑक्टेट। यहां पर आपका कौन होगा, कौन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो आपका सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या है बच्चों, सेकंड पीरियड का नाइट्रोजन है और यहां पर भी सेकंड पीरियड का नाइट्रोजन है। तो आप देख के करो इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं की करोगे तब तक आपको नहीं आएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ट्राई करो, वही स्टेप एक बार पहले पूरा लूज डॉट स्ट्रक्चर पढ़ डालो, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट करो। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में SO2 और SO3 के साथ इन क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज पूरा एक्सेप्शन खत्म होता है लूज डॉट स्ट्रक्चर का, कल हम पढ़ेंगे रेजोनेंस और रेजोनेंस के बाद हम पढ़ेंगे डीमेरिट ऑफ लूज डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।